स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं वन डे नाम के कोरियन फिल्म को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी सी यूनिक है और इसके अंदर हमें घोष की कहानी दिखाई गई है, जो कि मरते मरते हमें जीवन के बारे में बताई जाती है कुछ। ये कहानी ली कांग सू की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है। इसकी लविंग वाइफ की अभी अभी डेथ हो गई है, पर ये फ्यूनरल में नहीं गया, रोड पर खड़ा होकर रो रहा होता है। इसका ब्रदर लिन बहुत कॉल्स करता है इसको कि प्लीज आ जाओ, पर कांग नहीं आता, ना फोन उठाता है और रोता रहता है। अगर मैं कांग की बात कर लूँ तो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, और इसका काम यह है कि जो लोग बाहर इंश्योरेंस के नाम पे कंपनी को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, अय्याशी कर रही होती है, उनको पकड़ता है और कंपनी के पैसे वैसे को बचाता रहता है। अब अगले दिन ऑफिस में इसका ब्रदर इन लॉ आ गया होता है, गुस्सा है और बहन की मौत का सारा इल्जाम कांग पर लगा रहा होता है और उसको मारने पीटने भी लगता है। ऑफिस वाले अगर इसको बचाते हैं, मैनेजर इसके पास आकर इसको एक नया केस देता है। 2 महीने पहले एक ब्लाइंड लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, और जिसने एक्सीडेंट किया था वो इनकी कंपनी का क्लाइंट भी है और इनके बॉस का फ्रेंड भी है, और उस आदमी पर 2 महीने से केस चल रहा है उस लड़की को ठोकने का, और मेडिकल बिल भी यहीं पे कर रहा है उसके हॉस्पिटल के, और वो लड़की 2 महीने से कोमा में पड़ी हुई है। तो इसको जाकर हॉस्पिटल में ये पता लगाना है कि वो लड़की जानबूझकर कार के सामने आई थी, ऐसे साबित करना होता है ताकि कंपनी कोर्ट में ये जाके कह सके कि वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो एक्सीडेंट हो गया उसका। अब कांग सीधा पहुंच जाता है हॉस्पिटल, ये वही हॉस्पिटल है जहां पर इसकी वाइफ एडमिट थी कुछ टाइम पहले। कांग बहुत इमोशनल हो जाता है, जैसे तैसे ये अंदर घुसता है, रूम में आता है तो देखता है कि वो लड़की लेटी हुई है, और कांग इससे बोलने लग जाता है, हेलो मेरा नाम कांग है, और बाकी सारी चीजें, पर ये तो जानता है कि रिप्लाई तो देगी नहीं क्योंकि लड़की कोमा में होती है। तो वहीं पड़े लड़की के कुछ सामानों को देखने लगता है, जहां पर कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ छोटे छोटे पत्थर रखे होते हैं। वहीं बचपन की एक फोटो भी होती है लड़की की, जिसके ये फोन में फोटो क्लिक करने लग जाता है। तभी पीछे से अगर एक लड़की मारती है इसको और कहती है कि मेरे सामान क्यों छेड़ रहे हो तुम, कांग डर गया होता है। लड़की कहती है क्या मैं तुम्हें दिख रही हूँ, कांग कहता है अंधा समझाएगा मेरे को, दिखोगी नहीं। तभी नर्स आ जाती है और कांग नर्स से बातें करने लगता है, और ये लड़की कांग को बहुत अजीब तरीके से छू छू के देख रही होती है और हैरान हो गई होती है। कांग कहता है कितनी चीप लड़की है, और यहाँ से जाने लग जाता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लड़की कोमा में पड़ी हुई थी वो और जो ये लड़की अभी फुदक रही थी, ये दोनों एक ही लड़की होती है, पर कांग ने इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कांग का ध्यान बाहर आने पर देखता कुछ मरीजों के ऊपर, जो कि लंगड़े और अपाहिज बन के इंश्योरेंस का मजा लूट रहे होते हॉस्पिटल के अंदर। मतलब कि कंपनी को ये जताया होता है कि हम लंगड़े हैं और ना ऐसा एडमिट हो गए और यहाँ पे पैसे खा रहे इंश्योरेंस को, इधर मजे मार रहे थे, खेल रहे हैं सारे। तो कांग इनमें से एक को पहचान गया होता है, ये मिस्टर चोई होता है, कांग की कंपनी का क्लाइंट है ये। और कांग जैसे आता है इनके पास, सारे फिर से अपाहिज लंगड़े वंगड़े बन के एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो कांग इससे कहता है ना चोई से कि देखो तुम कंपनी को पागल बनाकर पैसे लूटना बंद करो। फिर यहाँ से कांग उस ब्लाइंड पेशेंट जो कि कोमा में, उसके नाम ऐसे मीसू होता है मैं बता दूं यहाँ पर, उसके डिटेल्स लेने के लिए उसकी बचपन की फ्रेंड के पास जाता है, क्योंकि उस लड़की की वही है एक अभी। तो पता चलता है कि मीसू अनाथ थी। तो ये कहता है ना कि जिस दिन मीसू का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो सैड थी, डिप्रेशन में थी, कोई प्रॉब्लम थी उसकी जिंदगी में। अब ये सुनकर ये लड़की गुस्सा हो जाती, कहती है अबे तुम इंश्योरेंस वाले चोर हो एक नंबर के, बार बार आ जाते हो ये साबित करने के लिए कि मीशो ने जानबूझकर कार के आगे छलांग लगाई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मीशो एक बहुत अच्छी लड़की थी और वो हमेशा खुशी से रहती थी, दूसरों को भी खुश किया करती थी। कांग फिर इस केस की ना छानबीन में डट गया होता है, इसको कैसे भी करके ये पता लगाना होता है कि वो सुसाइड था, मतलब उसने सुसाइड अटैम्प्ट। ओके, अब छानबीन से पता चल गया होता है कि क्राइम लोकेशन पर सब कुछ पड़ा हुआ मिला था, पर ब्लाइंड स्टिक नहीं मिली थी। अब मीसो तो अंधी है, तो एक अंधा आदमी बिना स्टिक के कैसे चल सकता है, ये काफी शॉकिंग बात होती है। कांग को ये बात कुछ हजम नहीं होती है। अगले दिन कांग के घर सासू माँ आई होती है माफी मांगने के लिए इनके बेटे ने जो किया था इसके साथ, और इसके रूम को भी कहती है मैं साफ कर दूं, पर ये मना कर देता बात को टाल के, क्योंकि इसने ना जब से इसकी वाइफ मरी है रूम में ये जाता भी नहीं, ना ही सफाई करता है। इसकी सासू माँ फिर इसको कुछ खाने को देकर यहाँ से चली जाती है, और कांग इस चीज को खा कर ना रोने लगता है, क्योंकि इसका सेम टू सेम टेस्ट इसकी वाइफ जैसा बनाती थी ना वैसा ही आ रहा होता है। बहुत दुखी हो गया तो बार में चला जाता है, यहाँ पर खूब शराब पीता है, और रात हो जाने पर जब घर जाने लगता है तो जेब में हाथ डालता है तो मीशो का एक स्टोन गलती से अपने साथ ही लिया आया था, तो उसी रात हॉस्पिटल में स्टोन वापस करने जाता है। और कांग नशे में कहता है ना कि तुम ये बताओ बिना स्टिक के क्या कर रही थी रोड पर उस दिन, और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उठता है तो अपनी ऐसी चीप हरकत के लिए से माफी मांगता है कि दारू पी के किसी पेशेंट के रूम में जाकर उससे बकवास नहीं करनी चाहिए, और बाहर आ जाता है तो कल वाली लड़की को देखता है, यानी उसी मीशो को जो बच्चे के साथ बैठी हुई है। कांग जल्दी से वहां पर जाता है, तब तक वो लड़की गायब हो गई होती है। तो कांग बच्चे से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई, बच्चा कहता है कौन लड़की, यहाँ तो मैं कब से अकेला बैठा हूँ। कांग को लगता है इल्यूजन हुआ होगा। फिर वही मिस्टर चोई से मिलकर कहता है कि बीमारी का बहाना बना के पैसे खाना बंद करो। तभी वो लड़की आ गई होती है मीशो, हेलो कर रही होती है इसको, कांग भी इसको हेलो करता है। मिस्टर चोई कहता है किससे बात कर रहे हो, कांग के साथ तुम्हारे पीछे जो लड़की है उससे। चोई देखता है तो पीछे कोई नहीं है, तो कहता है कांग पागल हो गया शायद, और चला जाता है। मीशो कहती है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता है मुझे। कांग कहता है कि क्यों पीछे पड़ी हो मेरे, जाओ यहाँ से। ये कहती है ना कि मैं मीशो हूँ, 2 महीने से कोमा में पड़ी हुई ना वो लड़की, वही हूँ मैं,
कांग कहता है अबे पागल है क्या, जा रही नहीं जा रही यहाँ से, और जाने लगता है। तब इनके सामने बड़ा सा मिरर आता है जिसमें ये तो दिख रहा होता है पर वो नहीं दिख रही होती है। कांग को भूत निकल जाता है देख के, डर को इतने से भगता है ना, भूत भूत चिल्ला के घर आ गया ना, पड़ा होता पसीने वसीने छूट रहे होते, सोच रहा क्या करूँ क्या करूँ, भूत देख लिया मैं तो। पर एक तरफ ये भी होता है कि सच नहीं है, जरूर थोड़ी भूत है वो लड़की। तो पूरी रात जैसे तैसे कांपते हुए काटने के बाद हॉस्पिटल में आता है, अगले दिन सीसीटीवी चेक करता है तो पता चलता है कि अकेले था हर जगह। फिर भी इसको भरोसा नहीं हो रहा था, छत के ऊपर जाता है सिगरेट फूकने के लिए तो वहीं पर मिसो मिलती है इसको, और इसे पानी टच करके यकीन दिला रही है तो देखो मैं भूत हूँ, पानी मेरे आर पार चला जाता है। कांग भाई डर के बेहोश हो जाता है, होश में आता है तो मिसो इसको रूम में लेकर आई होती है। इसे कहती है कि मैं इसकी आत्मा हूँ, स्प्रिट है, और जब मिसो कोमा में होती है ना तो मैं बाहर रहती हूँ, जैसे ही मिसो का हल्का फुल्का होश आता है ना तो मैं गायब हो जाती हूँ दुनिया से। ये मेरे साथ उस दिन से हो रहा है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं किसी को नहीं दिखती हूँ, पता नहीं मैं तुम्हें क्यों दिखती हूँ, मैं तो तुम्हें टच करके फील भी कर सकती हूँ। कांग कहता है भूत हो तुम, लेकिन मिसो कहती है नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ आत्मा। और अब सबको ये लगने लग गया होता है ना कि कांग पागल है, क्योंकि कांग हमेशा इसे हॉस्पिटल में बैठ के बातें करता है और सभी सोचते हैं कांग अकेले में बड़बड़ाता रहता है। मिसो इसे कहती है कहीं पर चलने के लिए, कांग नहीं मानता, एक काफी रिक्वेस्ट करती है तो मान जाता है, फिर इसको अपनी कार में लेकर जाने लगता है। मिसो बहुत खुश है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें रोड पर देख रही ना सब इसके लिए न्यू होते, क्योंकि मिसो जो पैदा हुई थी ना ब्लाइंड पैदा हुई थी, ठीक है, अब पेड़ पत्थर झरने पुल मेट्रो गाड़ी कुछ भी देख रही है ना, ये सबके बारे में पूछती है कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है। पहले तो ये खुशी खुशी बता रहा होता है कि ये है, बट बाद में इरिटेट हो जाता है कि चुपचाप बैठी रहे। और फिर इसको लेकर आता है एक शादी में, ये शादी हो रही होती है इसकी फ्रेंड की यानी मिसो की। मिसो ने इससे वादा किया था अपनी फ्रेंड से कि मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी, वो तो नहीं आ पाई पर उसकी आत्मा जरूर आई है। मिसो की ये लोग एक वीडियो भी प्ले करते हैं जहाँ पर मिसो इन लोगों को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही होती है और इनको ना अच्छी अच्छी बातें सिखा रही होती है। फिर कुछ देर कांग और मिसो साथ में बिताते हैं और हॉस्पिटल आ गई होती है और ये कहती है ना कि अब तुम चाहे जो मर्जी मेरी रिपोर्ट बनाकर पेश कर दो कोर्ट में, बोल देना कि मैं सुसाइड कर रही थी, कोई बात नहीं। पर कांग ये सब अभी नहीं करेगा, कांग का बॉस तो चाहता है सुसाइड केस बना के इंश्योरेंस को बंद करवाया जाए, पर कांग अब तो करेगा नहीं। अगले दिन फिर आता है पर आत्मा नहीं मिलती क्योंकि बॉडी हल्की फुल्की होश में होती है, बाहर जाने लगता है तो चोई मिलता है। कांग फिर इसको वार्निंग देता है कि देख बे ये बंद कर दे जो तू हॉस्पिटल में कर रहा है वरना मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। अब चोई ये सब ड्रामा क्यों कर रहा है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है क्योंकि अभी तो ये कुछ बताता नहीं है और इसको मारने लग जाता है, तभी ऊपर से वो बच्चा देख रहा था छोटा, तो चोई यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और अगले दिन फिर कांग हॉस्पिटल आया है, आज इसको आत्मा मिलती है, दोनों में बातें होती है। मिसो कहती है कि मैं किसी चीज को टच करके सब बता सकती हूँ, फिर कांग का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम पुरानी यादों में क्यों दबे हुए हो, क्यों याद करके रोते हो उन चीजों को। कांग कहता है कि तुम्हारी आंखें आ गई है, सब कुछ दिख रहा है तुम्हें, तो तुम्हें अब कैसा लगता है। मिसो कहती है खुश हूं मैं पर मुझे अब कोई नहीं देख सकता, इस बात का काफी दुख है मुझे। तो कांग इसे एक्वेरियम में लेकर आता, मिसो तो मानो इतनी खुश है पूरी दुनिया मिल गई होती है उसको, मछलियों को देखकर बहुत खुश है। कांग फिर इसे इसके बारे में पूछता है, ये बताती है कि मैं बचपन से ब्लाइंड थी, मेरी मॉम ने मुझे अनाथ आश्रम में फेंक दिया था क्योंकि मैं अंधी थी, मैंने उन्हें कभी देखा तो नहीं है पर हाँ उनकी आवाज मैंने जरूर सुनी है। और फिर ये बाहर जाकर पेटल्स को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पा रही, आर पार हो जा रहे होते हैं, तो इसके नीचे हाथ लगा देता है वो, जिसकी वजह से इसके हाथ पर रुकते हैं और ये बहुत खुश होती है। फिर कांग जैसे तैसे ऑर्फनेज से पता लगा लेता है मिसो की मॉम के नाम और उसके डिटेल उसके एड्रेस के बारे में, वो एक सलून चलाती है शहर से बाहर कहीं पर, तो बाल कटवाने के बहाने वहां पहुंच जाता है, बातों बातों में मिसो का नाम ले लेता है कि आपकी एक बेटी थी जो कि ब्लाइंड थी, अभी कहती कि नहीं मेरी कोई बेटी नहीं है ऐसी, और इसको इधर से जाने को बोल देती है। कांग वापस आ गया होता है, इसका बॉस पकड़ लेता है और कहता हाँ बे मेरे को पता चल गया है कि तू सुसाइड का नहीं खोज रहा है बल्कि तू एक्सीडेंट साबित कर रहा है उसको, और कांग को इस केस से बाहर निकाल देता है। पर कांग हॉस्पिटल जाना थोड़ी छोड़ेगा, वो आज फिर से आया होता है, मिसो फिर से मिलती है और इसकी हेल्प मांगती है क्योंकि आज कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल रखा गया होता है, सबकी फैमिली आई होती है, सबके माता पिता हैं पर एक बच्चे के माता पिता नहीं आए होते हैं, तो कांग उसका फादर बन के उसके साथ एक्टिविटी करवाता है। इतने में मिस्टर चोई आ जाता है और इसको देखकर लड़का पापा पापा चिल्लाने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर चोई का ही बच्चा है ये, और मिस्टर चोई इतने दिनों से यहाँ पर इसलिए एडमिट था ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके इंश्योरेंस के पैसों से। तो कांग कंप्लेंट नहीं करेगा। आज मिसो की मॉम भी हॉस्पिटल आई होती है, इन्हें गिल्ट हो रहा है इन्होंने जो किया था सालों पहले, लेकिन ये देख के जाने लगती है तो कांग कहता है रुको अपनी माँ होने का कम से कम फर्ज तो पूरा करके जाओ। इतने में आत्मा ये सब देख लेती है और कांग को फिर कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने क्यों बुलाया उनको। फिर स्टोरी सुनाती है, मैं बचपन से हमेशा सोचती थी अपनी मॉम से मिलूंगी और यही सोचते सोचते मैं बड़ी हो गई, 2 महीने पहले मैं उनकी शॉप पर गई थी और मैंने उनको बताया कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो मॉम ने मुझे पहचानने से मना कर दिया और मुझे वहां से भगाने लग गई। जब मैंने उनसे कहा कि मैं बस आपसे एक बार मिलने आई हूँ और यहाँ पर मैं रहूंगी नहीं आपके साथ ना ही आपकी फैमिली खराब करूंगी, फिर भी मॉम ने इसको भगा दिया था वहां से। मिसो जब बाहर आई दुखी होकर तो इसको याद आया कि अपनी स्टिक तो अंदर ही छोड़ आई है, वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी इसके अंदर क्योंकि इसकी मॉम
फिर से उस पर गुस्सा होने लग जाती और रोते रोते ये सोचकर रोड पर जाने लग गई कि आज दूसरी बार मोम ने मुझे अनाथ कर दिया है और तभी इसका एक्सीडेंट हो गया था और जब से ये कोमा में पड़ी हुई है। और इतने में मीशो छत से गिर के गायब हो जाती है। मीशो की बॉडी होश में आ गई होती है लेकिन अब वो खून की उल्टियां कर रही है। कांग घर आ गया होता बहुत दुखी है। अगले दिन मीशो की मम फिर से आई होती है, अपनी बेटी से मिलके बहुत ज्यादा दुखी होती है, रो रही होती है और मीशो की आत्मा भी वहीं खड़ी रो रही है। कांग आता है तो सब बताती है और ये जान गई है ना कि मेरी बॉडी अब ठीक नहीं हो सकती, उसका कोई इलाज नहीं है और मॉम भी इसकी वजह से काफी दुखी रहती है। तो कहती है कि मुझे अब चले जाना चाहिए, तो तुम ऐसा करो जाके मेरा ऑक्सीजन कट कर दो ताकि मैं मर जाऊं। कांग इसकी बात नहीं मानता है, वो बताता है कि मेरी वाइफ थी, बहुत प्यारी थी, वो सब कुछ करती थी मेरे लिए, पर एक रोज वो पैरालाइज हो गई और मैंने उसको संभाला, हेल्प की, सब कुछ किया उसके लिए। मैं वैसे ही प्यार करता था, उसकी केयर करता था, लेकिन वो दिन रात मरने की बात करती थी क्योंकि उसको लगता था कि वो मेरे ऊपर बोझ है। एक बार उसने मुझसे कहा कि उसको पहाड़ों पर जाना है, मैं उसको लाया था और उसने कहा मुझे ठंडी लग रही है, ब्लैंकेट लाओ। जब मैं ब्लैंकेट लाने अंदर गया और वापस आया तो देखा उसने पहाड़ों से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी, वो मर गई। कांग बहुत रोता है, घर आकर अपना रूम साफ करता है जिस रूम में ये बहुत दिनों से नहीं आया क्योंकि यहाँ पर इसकी वाइफ की यादें हैं। फिर हॉस्पिटल आता है, मीशो थोड़ी होश में है। कांग इसका हाथ पकड़ता है, मीशो की आंखों से आंसू निकल रहे होते हम देख सकते हैं, पर कांग ऑक्सीजन कट कर देता है जिससे मीशो की मौत हो जाती है। एंड में हम देखते हैं कांग रोते हुए सैड होकर घर जा रहा होता है, दुखी है, और हमें सिखाकर जाता है कि मरना जीना तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमें अपनी अच्छी यादों को सोचकर हमेशा खुश रहना चाहिए। और यहाँ पर जो फिल्म है वो खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ, बाय।